हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है सत्ता की साझेदारी भाग एक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना से ही शुरू करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग और फ्रांस से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 49% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रसल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। आइए अब हम श्रीलंका की तुलना बेल्जियम से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 1805% है। तमिलों में भी दो समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कब और कैसे आया। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। दोस्तों, इस चित्र में आप लोग बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे कि ब्रसल्स, जो कि राजधानी क्षेत्र है, वेलोन, जहां पर लोग फ्रेंच भाषी हैं, फ्लेमिश, जहां पर डच भाषा बोली जाती है, और जर्मन भाषी लोग रहते हैं। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार अस्वीकार किया गया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बेल्जियम की समझदारी क्या है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए
कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जो कि सामुदायिक सरकार है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। दूसरा, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, सबकी बातें शामिल होती हैं, इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी कैसे हुई है। सत्ता साझी की जाती है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे कि विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका। दूसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच में होती है, जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्रीय या संघ स्तर, और तीसरा, राज्य स्तर। तीसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होती है, जैसे धार्मिक समूह और भाषाई समूह। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच भी होती है। दोस्तों, इस तरीके से सत्ता की साझेदारी की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच कैसे होती है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। विधायिका का काम है कि वह सरकार के द्वारा विधायिका का काम है कि वह कानून पारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह शाखा सरकार द्वारा संचालित है। कार्यकारी में राष्ट्रपति और कई विभाग शामिल है। यह शाखा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। तीसरा, न्यायपालिका। यह सभी राष्ट्रीय अदालतों से बना है। अपराधियों को दंडित करने और कानूनों की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका बनी है। दोस्तों, इस तरह की सत्ता की साझेदारी को सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।
राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कैसे होती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। लोग खुद को शासन से अलग ना समझें, इसलिए प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दल दबाव समूह और आंदोलनों के बीच कैसे होती है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी किसान औद्योगिक मजदूर इत्यादि कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में सीखा और सत्ता की साझेदारी के रूप कितने हैं और क्या है वह सीखा। अब हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।